महीने पहले इतना कुछ नया पढ़ने का रहता नहीं है, तो बच्चों को यही करना चाहिए कि जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो उनको उन्हें पढ़े हुए टॉपिक्स उनको ठीक से रिवाइज करें। बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, अपने पास हाइलाइटर्स रखिए। हर कोचिंग में इस टाइम पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है, तो उसमें रिग्रेसली टेस्ट अटेंड करें। आप पूरा पेज का टाइम नहीं है अब इतना करने के लिए, तो स्टिकी नोट्स पे वी कैन जस्ट ऐड फ्यू वर्ड्स। फॉर्मूले का रिवीजन जरूरी है, तो टेस्ट में अपीयर करना है उसमें गलतियां अपनी रेक्टिफाई करनी है और फॉर्मूलाज जो हैं वो टिप्स पे रखने हैं। अगर इतना बच्चे कर लेते हैं तो काफी अच्छा एक महीने में कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ मिनट, एंड टुडे वी हैव विद अस प्रतीक सर एंड स्नेहा मैम। एंड आई थिंक आप पॉडकास्ट में स्नेहा मैम से पहले नहीं मिले हैं, सो आई थिंक मैम आप अपना एक इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्नेहा भट्ट, एंड आज हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं जो भी आपका 1 मंथ स्ट्रैटेजी रहेगा, एंड आई होप बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी अच्छे से बना रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आई होप आप लोग अच्छे से एडवाइस ये रहेगा हमारा कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं 1 मंथ बिफोर नीट एग्ज़ाम, एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बाकी वील कंटिन्यू एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड हमारे साथ। बिल्कुल, एंड प्रतीक सर से आप पिछले पॉडकास्ट सीरीज में जो हमारे पिछले एपिसोड्स रहे हैं उनमें आप मिल ही चुके हैं। तो प्रतीक सर, अब 1 महीना रह गया है नीट एग्जाम में और फिजिक्स आई थिंक बाय फार बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो अभी उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 1 महीने में? देखिए, 1 महीने पहले इतना कुछ नया पढ़ने का रहता नहीं है, तो बच्चों को यही करना चाहिए कि जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो उनको उन्हें पढ़े हुए हैं टॉपिक्स उनको ठीक से रिवाइज करें, उन पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें और मेनली टेस्ट में अपीयर करें। हर कोचिंग में इस टाइम पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है, तो उसमें रिग्रेसली टेस्ट अटेंड करें, टेस्ट का एनालिसिस करें, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में आप गलतियाँ कर रहे हैं वो देखें और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। और दूसरा एक चीज़ ये रहेगी कि फार्मूलाज जैसे खासकर फिजिक्स में बच्चे भूल जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो फार्मूले का रिवीजन जरूरी है, तो टेस्ट में अपीयर करना है उसमें गलतियां अपनी रेक्टिफाई करनी है और फार्मूलाज जो हैं वो टिप्स पे रखने हैं। अगर इतना बच्चे कर लेते हैं तो काफी अच्छा 1 महीने में कर सकते हैं। वंडरफुल, एंड आई थिंक बच्चों आप सभी के लिए यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ है कि सर ने बोला टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनालाइज भी करना है उस टेस्ट सीरीज को, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो प्रतीक सर अब केमिस्ट्री की भी बात करते हैं कि केमिस्ट्री में रिविजन कैसे कर सकते हैं 1 महीने में? देखिए, केमिस्ट्री में अगर करना है तो फिजिकल की अगर अपन बात करें तो उसमें वही है कि फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे बच्चे को, राइट? इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि एनसीईआरटी पढ़ लें या फिर जो आपके टीचर्स ने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है चीजें याद करने के लिए उनको फॉलो करें, right. और ऑर्गेनिक में मेनली जो है वो जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उनको रिवाइज कर लें तो वो हो जाएगा। और उसमें भी फिर यही है जैसे केमिस्ट्री में भी, अगर टेस्ट में बच्चा अपीयर करेगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बच्चे की हो जाएंगी, right. तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी प्रिपरेशन है कोई भी एग्जाम की तो वो 3 स्टैंड्स पे खड़ी होती है कि आपका लेक्चर हो गया, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई और टेस्ट हो गए। अब लेक्चर और सेल्फ स्टडी वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, अब केवल जो प्रिपरेशन है वो टेस्ट के थ्रू होगी, राइट? राइट। तो बच्चा टेस्ट में अगर अपीयर करेगा और उसको एनालाइज करेगा जैसे हमने बात करी, तो डेफिनेटली उसका जो 1 मंथ में जो होना चाहिए एक्चुअल रिवीजन वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली अगर बात करें बायोलॉजी की, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बच्चों के 350+ मार्क्स आ जाए? वैसे तो मैम एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मैं कहूँगी मैक्सिमम चांसेस हैं कि फुल 360 में से 360 लाया जा सकता है, बिकॉज देर विल बी नो कैलकुलेशन एरर। ओके, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिप रहेगी बच्चों को कि PYQ के थ्रू फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स FAT पे फोकस करिए, बिकॉज PYQ एज इट इज नहीं आने वाला, लेकिन PYQ के थ्रू वी कैन नो कि टॉपिक कौन कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं, पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स याद रखिए इस चीज के लिए, और इस चीज के लिए बच्चे जब भी PYQ कर रहे हैं, एक तो टॉपिक मेंशन कर लो कि किस टॉपिक से वो आ रहा है क्वेश्चन, एंड देन गो टू NCERT, NCERT लेके बैठिए। आपने बोला ना एनालिसिस करते वक्त, NCERT लेके बैठ जाइए कि इस टॉपिक से इतने PYQ आ रहे हैं, तो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी,
right. बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, अपने पास हाइलाइटर्स रखिए, हाइलाइटर्स अलग अलग कलर्स के, PYQ पूछने वाले जो हाइलाइटर्स हैं उसको अलग कलर से कर लीजिए, ठीक है, बहुत किडिश चीज बोल रही हूँ, लेकिन यस वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे जो assertion reason होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड एंड assertion reason questions. हमने यूट्यूब पे सीरीज भी है इस पे assertion बेस्ड questions की, प्लीज वो गो थ्रू कर लीजिए. तो ये क्या है, तो assertion reason वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अलग कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं. दैट्स गोना हेल्प अ लॉट बच्चों को. बच्चों को बायोलॉजी वाले टीचर्स या बाकी सब्जेक्ट टीचर्स भी बताते होंगे स्टिकी नोट्स. आप पूरा पेज का टाइम नहीं है अब इतना करने के लिए, तो स्टिकी नोट्स पे वी कैन जस्ट एड फ्यू वर्ड्स, जो भी उस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट वर्ड है वी कैन कीप इट इन द स्टिकी नोट्स पे, वो आपका वहां पे रह सकता है. तो बायोलॉजी में यस, बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के बोलूंगी पॉसिबल है आपके 360 आउट ऑफ 360. एनसीईआरटी अभी तक मैं बोलूंगी अगर 1 month रह गया है तो एटलीस्ट 3 times आपकी गो थ्रू हो जानी चाहिए. ठीक है बच्चों, जो भी अब 3 times नहीं कर पाए हैं तो न्यू कुछ भी स्टार्ट मत कीजिए, दोबारा से शुरू कर लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी गो थ्रू हो जानी चाहिए अभी तक. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नया नहीं करना है. राइट टाइम, राइट. सो आई थिंक बच्चों यहाँ पर मैम ने बहुत ही बेसिक सी चीज एक बताई है आपको, हम कभी कभी उसको ना अवॉइड कर देते हैं कि स्टिकी नोट्स, हाँ हमें पता है अगली बार कर लेंगे. सो आई थिंक ये चीजें छोटी छोटी बहुत इंपैक्ट करती हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, अफेक्ट करती हैं बिल्कुल. तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे आपने एनसीईआरटी की बात करी, तो अगर अब अगर बच्चे सोचे कि ओके 1 महीना बचा है कि सारे रिविजन अब सिर्फ एनसीईआरटी से ही करें, क्या वो ठीक स्ट्रैटेजी रहेगी? अब बिल्कुल ठीक रहेगी मैम. एनसीईआरटी इज द की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है. कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा. ठीक है, एंड जैसा मैंने बोला कि आप कई बार, जैसे मैंने सिर्फ फिजिक्स का बताना चाहूंगी, मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक बच्चा पूछ रहा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी क्या जैसे बायोलॉजी की तरह बिल्कुल ही एनसीईआरटी लाइन होना चाहिए. तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे एज इट इज नहीं पढ़ने की जरूरत है. फॉर एन एग्जाम्पल यूनिट एंड डायमेंशन, सर उसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन उठ के आना है. तो अगर मुझे ये समझ आ जाए PYQ से कि कौन सा पैराग्राफ हाईलाइट करना है, तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. बायोलॉजी में ऑल्दो ऐसा नहीं है, काफी सिलेबस कट चुका है. ठीक है, तो आप लोगों के पास अब सिलेबस कम हो गया है और मैं ये बोलना चाहूंगी टाइम भी कम रह गया है. कोई भी नई चीज स्टार्ट मत करिए. एनसीईआरटी जैसे आपसे पहले भी बोलते आ रहे हैं, एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहिए. सफिशिएंट हाईलाइट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ गिफ्ट, हमारी आईज को कलर्स बहुत पसंद होते हैं. तो जितना भी आप कलरफुल तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना एनसीईआरटी को, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, नींद नहीं आएगी, बोरिंग नहीं लगेगा सेम चीज पढ़ना. एंड हाँ, वहां पे मार्क जरूर करिए कि ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ है. ब्लू इज फॉर PYQs, सपोज रेड इज फॉर assertion रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी. बायोलॉजी में आप बोलते हैं बच्चे की assertion रीजन कैसे पता चलेगा, तो बच्चों जहां पे भी आपको सेंटेंस में ड्यू टू या बिकॉज वर्ड दिख रहा है, मतलब वो क्वेश्चन, वो लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर assertion रीजन, उससे assertion रीजन का क्वेश्चन बन सकता है. आई थिंक सभी बच्चों को ये जरूर इस पे गौर करना चाहिए. मैम ने एक बहुत अच्छी आपको एक ट्रिक बताई है. सो या यस मैम, ये चीज हमारा आपको दिख जाएगा, मैं आपके क्लिप्स वगैरह में दिख जाएगा कि कहाँ पे ड्यू टू कहाँ पे बिकॉज है. मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी. ठीक है, एंड लास्ट में बच्चों को ये चीज जरूर बताना चाहूंगी, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या जब भी आप PYQs कर रहे हैं, प्लीज OMR के थ्रू ही प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, तो अगर हम अभी 1 month के बारे में बात करें मैम, तो एटलीस्ट 10 hours अ डे पढ़ना है. 10 hours बिकॉज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 79 चैप्टर्स हैं. ठीक है, उसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2-3 hours फॉर 1 chapter बचता है मेरे पास. इसमें मैंने नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए फॉर द टेस्ट, लगभग 80 या 85 hours आपके टेस्ट में जाएगा. ठीक है, तो टेस्ट आप हमेशा PYQ जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप OMR शीट में करिए. लास्ट टाइम पे बच्चे जो गलती करते हैं वो OMR शीट में करते हैं. ठीक है, और एनालिसिस में भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज गलत की है, गलत सर्कल कैसे किया है या 2 circles कर दिए हैं, तो वो आप अवॉइड करिएगा, उससे आप बच जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर. एंड आई थिंक हम जैसे टेस्ट्स की बात कर रहे हैं, अब लेट्स से कि अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि 1 महीना है और रोज फुल टेस्ट देने हैं, तो क्या वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी? रोज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, पर अगर हम ऑल्टरनेट डेज के बारे में बात करें, ऑल्टरनेट डेज या आफ्टर 2 days का गैप करके हम ये चीज कर सकते हैं.
ओके ठीक है, मतलब आपने जितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने बोला ना मैम, सबसे इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेटेजी. अगर यहाँ पे बच्चा 1 month या 30 days प्लस माइनस अ वीक जो भी चल रहा है, 30 months का अगर स्ट्रेटेजी बनाए कि 84 hours या 85 hours या 90 hours में मुझे कम से कम इतने टेस्ट देने हैं. ठीक है, अगर हम 3 hours एक टेस्ट के लेके चले तो 30 tests हो गए ना हमारे, तो 30 tests क्या हमारे 30 days के हिसाब से हो रहे हैं. अगर हम ऑल्टरनेट डेज में ले रहे हैं तो एक दिन में 2 tests हो जाएंगे. राइट. सर, फिजिक्स में लेट्स से कि किसी बच्चे का ना टेस्ट्स में वो मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं अच्छे जो वो सोच रहा है कि आ जाएं, तो अब 1 महीने पहले उस बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्क्स क्यों कट रहे हैं. अगर ऐसा है कि पढ़ाई नहीं है या फिर बहुत सारे चैप्टर्स वीक हैं, तो फिर कुछ बहुत आसान चैप्टर्स जो हैं जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो इस तरह के चैप्टर्स कर ले बच्चा. तो उसमें से आप ये मान लीजिए कि कुछ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं और आसान भी होता है उनको करना, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, तो वो बच्चा फिर कर सकता है उनको. कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं जैसे मैग्नेटिज्म है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आजकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बच्चा कर ले, ग्रेविटेशन कर ले. तो ये कुछ सरल टॉपिक्स हैं जो बच्चा कर लेगा अगर, तो उससे उसको एनसीईआरटी से या देखे हुए सवाल मिल जाएंगे. तो इन पर फोकस कर सकता है. अगर बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं, कि जैसे अगर मान लीजिए 50-60 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कर सकता है. अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स प्लस आते हैं बच्चे के, तो फिर उसको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो क्या गलत कर रहा है, और वो गलतियां एलिमिनेट कर ले अकॉर्डिंगली देख कर अपने. सो बच्चों, आई थिंक इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कुछ यूजफुल टिप्स मिली होंगी. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ. थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपके नीट एग्जाम के लिए. थैंक यू.